द मरियाना ट्रेंच, समुद्र की एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां पर अब तक सिर्फ 3 ही लोग पहुंच पाए। अगर आपको लग रहा है कि कुदरत की अद्भुत जगह सिर्फ जमीन पर है तो आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में जानना जरूरी है। तो नमस्कार, मैं हूं फैक्ट पैराडाइज और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमारे यहां ऊपर जमीन मौजूद है, उसी तरह समुद्र के पानी के नीचे भी जमीन है, लेकिन इस समुद्री जमीन में कई जगहों पर खाई बनी हुई है, कहीं पर ज़्यादा गहरी तो कहीं पर कम। अमेरिका के मारियाना आइलैंड के नज़दीक एक समुद्री जगह पर जहां पर कई खाई बनी हुई है और इन खाइयों के समूह को मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच का आकार दिखने में चंद्र आकार जैसा है। उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इतने एरिया में सिर्फ खाई ही बनी हुई है, लेकिन इनमें सबसे गहरी खाई है, उसे नाम दिया गया है द चैलेंजर डीप। यह सिर्फ मारियाना ट्रेंच के समूह की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे गहरी खाई है। इस खाई में कई रहस्य छिपे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। यह बात साल 1875 की है। ब्रिटिश लोगों का एक जहाज HMS चैलेंजर समुद्र की सफर पर निकला था। यह जहाज समुद्र के अभ्यास के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ते में उन्हें ये खाई मिल गई। उस समय तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस खाई को एक रस्सी के जरिए नापा गया। नापने पर जो गहराई सामने आई उसने सबको दंग कर दिया। यह गहराई 8 किलोमीटर की थी। इस खाई को जिस जहाज ने खोजा था उसी के नाम पर इस खाई का नाम भी रखा गया, द चैलेंजर डीप। लेकिन यह खोज यही नहीं रुकी। साल 1951 में ब्रिटिश लोगों ने फिर से अपना एक जहाज HMS चैलेंजर 2 समुद्री अभ्यास के लिए रवाना किया। इस जहाज ने फिर से अपनी नई टेक्नोलॉजी के जरिए गहराई को नापा, लेकिन इस बार यह गहराई पहले से भी ज़्यादा थी, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। अगर आप समुद्र में कूदोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 मीटर तक ही जा पाओगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर रहे पानी का दबाव हम पर इतना होगा कि हमारा शरीर उसे झेल ही नहीं पाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, और जब आप चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाओगे तब आप पर पानी का दबाव इतना होगा कि आप पर 100 हाथी रख दिए हो। माउंट एवरेस्ट, जो धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर अब तक 1000 लोग तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 ही लोग पहुँच पाए हैं। सबसे पहले साल 1960 में जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्स नाम के दो इंसान इस खतरनाक खाई में गए थे। 5 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो चैलेंजर डीप के आखिरी बिंदु तक पहुंच गए, पर वहां उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया और वहां ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब इन्होंने ये सफ़र किया तब कुछ वैज्ञानिक इस बात पर झगड़ रहे थे कि इतनी गहराई पर समुद्र जीवन है या नहीं, लेकिन पिकार्ड का ये कहना था कि उसने वहाँ पर एक मछली जैसे छोटे जीव को देखा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समुद्र की इतनी गहराई पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। यह बात बहुत अचंभित करने वाली थी, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियाँ भी टूटकर बिखर जाती हैं, तो वहाँ पर जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन हाल के अभ्यास से पता चला है कि वहाँ पर कई तरह के जीव रहते हैं, पर यह कैसे हो सकता है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पा रहा। ऐसे गहरे समंदर में जीवन होना प्रकृति का एक अजूबा है। हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जिनका नाम जेम्स कैमरन है, वो साल 2012 में अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमरीन के जरिए इस चैलेंजर डीप खाई के अंत तक पहुँचे थे। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है तो आपको बता दूँ कि आपने अवतार या टाइटेनिक मूवी देखी होगी। ये उन्हीं मूवी के डायरेक्टर है। कुदरत की कोई ऐसी अद्भुत चीज़ जब सामने आती है तो उसकी कहानियाँ भी बनती है। जैसे माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियन की दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, उसी तरह यहाँ की कहानी यह है कि मारियाना ट्रेंच के नीचे मेगलाडॉन रहती है। मेगलाडॉन वही खूंखार मछली है, या फिर ऐसा कहा जाए कि मॉन्स्टर मछली है, जिसका वज़न 20 टन जितना होता है और वो एक टीरेक्स जितने बड़े डायनासोर को आराम से पानी में खींच सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजर डीप प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कब तक सुरक्षित रहेगी।
यह एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का पहुँचना बेहद ही कठिन है। लेकिन हम नहीं पहुँच सकते तो क्या हुआ, हमारा कचरा तो वहाँ पहुँच ही रहा है। पिछले सालों में कई बार इस गहरी खाई का अभ्यास किया गया और यह जानने के लिए कि इस गहराई में कि समुद्र जीवन है या नहीं, लेकिन ये पता करने पर वहाँ पे POP मिला। यह एक रासायनिक कचरा है जिसे 1970 में बंद कर दिया गया था, पर बदकिस्मती से बाकी कचरा समंदर में ही मिल गया। वहाँ पर कचरा मिलना कोई आम बात नहीं है, इनसे समुद्री जीवों को भी खतरा रहता है। जिस मिशन से इस कचरे का पता लगाया गया था, उस मिशन के लीडर एलन ने कहा था कि देखिए, हम इंसानों का धरती और समुद्र पर क्या असर पड़ रहा है। मरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप दो बड़ी प्लेटों के टकराने की वजह से बनी थी। यह घटना 18 करोड़ साल पुरानी है। अभी की रिसर्च के दौरान हमारे सामने कई नए जीव आए हैं जो उस जगह पर रहने के योग्य है। एक ऑक्टोपस है जो कि पारदर्शक है, और एक सफ़ेद मछली है जो कि अजीब तरह की दिखती है। अगर बात करें मरियाना ट्रेंच के गहराई के जीवन की, तो वहाँ पर 200 से भी ज़्यादा तरह के जीव पाए गए हैं, लेकिन आज तक इंसान इसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो ये थी वीडियो दुनिया की सबसे गहरी रहस्यों से भरी खाई के बारे में, दी मरियाना ट्रेंच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।